पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैसेज है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आम आदमी पार्टी की ओर से बधाई संदेश का। इस वीडियो में आपने देखा अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 वीडियो शेयर किए गए हैं एक साथ। ये वो वीडियो हैं जो कभी प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, विवादों में रहे हैं, और ऐसे ही 4 वीडियो के साथ आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 72वें साल पर बधाई दी। बधाई विपक्ष के और दूसरे नेताओं ने दी है, हालांकि राहुल गांधी ने बधाई देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने जरूर एक ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। दरअसल आज पूरे देश में बेरोजगारों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिवस को। और इस रूप में आज सोशल मीडिया पर, खास तौर पर ट्विटर पर, एक ट्रेंडिंग था, मोदी आया बेरोजगारी लाया। कई तरह के ट्वीट्स आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह के मीम शेयर किए गए प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर नौजवानों में असंतोष है। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कोरोना काल के दौरान एक बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा मूवमेंट चलाया था और लगातार प्रधानमंत्री के वीडियोस को वो डिसलाइक करके या प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को, जो भी वीडियो होते थे उसको डिसलाइक करके वो एक अभियान चला रहे थे देश में बेरोजगारी को लेकर। जिस तरह से सरकार ने इग्नोर किया बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या को, नौजवानों की बहुत बड़ी मांग को, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार, प्रधानमंत्री से सवाल होते रहे हैं, मीडिया भी सवाल करता रहा है, सोशल मीडिया पर नौजवान उनसे सवाल पूछते रहे हैं। तो आज जन्मदिन के दिन, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर नौजवानों ने उस ये सोशल मीडिया पर मोदी आया बेरोजगारी लाया ट्रेंड किया, इसको लेकर एक अभियान चलाया। तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने उनको बधाई भी दी है। बधाई देने वालों में अखिलेश यादव भी शामिल हैं, उन्होंने भी बधाई दी है। लेकिन जो सवाल पूछे गए हैं प्रधानमंत्री से, वो सवाल राहुल गांधी ने पूछा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर 8 चीतों को देश में लाने का एक जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, चीतों को समर्पित किया, और उसके वीडियोस, उसकी खबरें, उसकी मीडिया पर, सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया और टीवी चैनलों पर काफ़ी चर्चा में रहा। तो इस बीच राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले, शाम होते होते, उन्होंने ट्वीट किया कि 8 चीते तो आ गए, अब ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए, युवाओं की है ललकार, लेके रहेंगे रोजगार। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा में मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। इसके अलावा जो नफरत का एक सिलसिला चल रहा है समाज में, जो भेदभाव और बंटवारे की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ में ये मुहिम है। हालांकि दावा यह है कि ये मुहिम पार्टी के बैनर के तरह नहीं किया जा रहा है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का एक बड़ा इसमें हुजूम उमड़ा हुआ है और इसको लेकर
आम लोगों का भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। बहरहाल मैं आपको बताना चाह रहा था कि मोदी को लेकर जो जिस तरीके से ट्वीट्स किए जा रहे हैं इस वक्त, और राहुल गांधी ने भी जब उनको इस तरह के जॉब्स के बारे में जो मोदी को ट्वीट किया है उसमें एक वीडियो भी लगाया है, उसमें एक फोटो भी लगाया है, और उस फोटो में उन्होंने जो है वी नीड जॉब्स और यूथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो है कि प्रधानमंत्री मोदी से जो देश का यूथ है आज बहुत ही दिन भर ये ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, मोदी आया बेरोजगारी लाया, और मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रेंडिंग में बना रहा और सुबह से लेकर शाम तक रात तक बना रहा, और इस तरह के मीम्स जो है प्रधानमंत्री के शेयर किए गए, तरह तरह के मीम्स हैं। आप देखिए आपके स्क्रीन पर है इस वक्त इस तरह के मीम्स, और कई मीम्स हैं और बड़े दिलचस्प भी हैं, बड़े क्रिटिकल भी हैं, आलोचना करने वाले हैं, और दिखाया जा रहा है किस तरह से एक तरह से तंज किया गया है, उस तरह के मीम्स हैं, बहुत सारे मीम्स हैं, मतलब इसकी भरमार है और सब में अलग अलग तरीके की बात कही गई है। तो ये इस तरह से प्रधानमंत्री का एक आज जन्मदिन मनाया गया, इस तरह के चर्चाओं के बीच की प्रधानमंत्री से शिकायत है यूथ को। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के 20 साल पूरे होने पर जो किताब एक लिखी गई थी, उस किताब को उत्तर प्रदेश सरकार ने जब एक कार्यक्रम किया प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, तो उस पुस्तक को पत्रकारों के बीच में वितरित किया गया है। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस स्क्रीन में आप देखिए कि पत्रकारों को, जो लखनऊ के पत्रकार हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश की खबरों को कवर करते हैं दिल्ली की मीडिया के लिए, वैसे पत्रकारों को, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ चुनिंदा पत्रकारों को वो पुस्तक भेंट की गई आज के दिन कार्यक्रम में। तो उस आज एक जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किया गया, उसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसमें दोनों डिप्टी सीएम थे, और ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के जो राजनीतिक यात्रा रही है उससे रिलेटेड एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है, उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें, उनसे जुड़ी हुई बातें उस प्रदर्शनी में शो की गई हैं, और इसके लिए एक बड़ा आयोजन किया गया। तो इन सब के बीच में आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया है पूरे देश में। 17 सितंबर को विश्वकर्मा की पूजा भी होती है और प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, और आज के दिन को देश के नौजवानों ने, देश के बेरोजगार लोगों ने उनके बेरोजगार दिवस के रूप में भी मनाना शुरू कर दिया है, और आज भी काफ़ी इस तरह के, जो आपने देखा अभी किस तरह के उनके मीम्स शेयर किए गए प्रधानमंत्री के, किस तरह की तकलीफें हैं यूथ में उसको तरह तरह के तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने शेयर किया है। तो ये है पूरा मामला कि किस तरह से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जिससे सारी उम्मीदें होती हैं, जिनको लेकर सभी वर्गों में एक उम्मीद रखती है, लेकिन देखा यह गया है कि यूथ, जो भारत कहते हैं कि यूथ का देश है, और उस यूथ के देश में यूथ जो है प्रधानमंत्री से निराश दिखाई दे रहा है, और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है, यह सोचने वाली बात है। आप सब बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कि आप क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री से जो उम्मीदें की जा रही हैं, और क्या ये जो विद्रोह, ये जो, और क्या ये जो विरोध का तरीका है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, ये कितना सही है, कितना गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इसमें आके कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि ये जो संवाद है हमारे और आपके बीच में, ये संवाद एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा संवाद है।